फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीलिंग फैन का जो स्टेटर होता है, इस टाइप का जो स्टेटर होते हैं, इसमें कौन से स्टेटर में कितने टर्ने डालेंगे, कौन से स्टेटर में कितने टर्ने डालेंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास तीन चार टाइप के स्टेटर आते हैं। पहला स्टेटर होता है ये वाला, इसमें 12 कॉइल ऊपर होती है रनिंग में, 12 कॉइल नीचे होती है स्टार्टिंग बाइंड में, तो इसमें हम कितने टर्ने डालेंगे। दूसरा स्टेटर होता है हमारे पास ये वाला, इसमें 14 कॉइल ऊपर होती है रनिंग बाइंडिंग में, 14 कॉइल नीचे होती है स्टार्टिंग बाइंडिंग में, तो इसमें कितने टर्ने डालेंगे। और तीसरा स्टेटर होता है ये वाला, इसमें 16 कॉइल ऊपर होती है रनिंग बाइंडिंग में, 16 कॉइल नीचे होती है स्टार्टिंग बाइंडिंग में, तो इसमें कितनी टर्ने डालेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास एक और स्टेटर आता था पहले, इतना बड़ा पंखा जो आता था ऊषा वगैरह का, उसमें 18 कॉइल रनिंग बाइंडिंग में होती थी और 18 कॉइल स्टार्टिंग बाइंडिंग में आती थी, लेकिन वो पंखा बहुत स्लो चलता था, जो कि आजकल नहीं चलता है, आजकल हाई स्पीड पंखे चलते हैं। तो फ्रेंड, इसका बायोडाटा बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें 16 कॉइल वाले स्टेटर में क्या अंतर होता है, 12 कॉइल वाले स्टेटर में क्या अंतर होता है और 14 कॉइल वाले स्टेटर में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको बता दूं, सारा मैटर करता है इसके पोल पर, यानी जितने ज़्यादा पोल होंगे जिस मोटर में, उतने ही उसके आरपीएम कम हो जाएंगे। यानी इसके 16 कॉइल हैं इसमें, तो इसके आरपीएम 250 या 300 के बीच में ही रहेंगे, 300 से ऊपर किसी भी हाल में नहीं जा पाएंगे। उसके बाद आता है 14 कॉइल का स्टेटर, इसमें जो होता है लगभग 300 या 325 आरपीएम ही होते हैं, लेकिन आजकल जो पंखे चलते हैं वो हाई स्पीड ही ज़्यादा चलते हैं, जिसमें 12 कॉइल का स्टेटर ही होता है, 12 कॉइल यानी इसमें 12 कॉइल होंगे तो इसके आरपीएम लगभग 350 आरपीएम इसके हो जाते हैं। तो जैसे जैसे पोलों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे ही उसके आरपीएम कम होते जाएंगे। पोलों से मतलब ये होता है कि इसमें 12 कॉइल है तो इसके 12 पोल होते हैं। पानी की मोटर में दो कॉइलें होती हैं, एक आमने एक सामने, यानी रनिंग में दो कॉइलें होती हैं और स्टार्टिंग में भी दो कॉइलें होती हैं, तो वो दो पोल की मोटर होती है जिसके आरपीएम होते हैं 2800। जैसे जैसे उसके पोल बढ़ते जाएंगे वैसे ही उसके आरपीएम घटते जाएंगे। यही मैटर करता है पंखे में, 12 कॉइल, 14 कॉइल, 16 कॉइल। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन से पंखे में कितनी टर्ने डालेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ अच्छे तरह से दिमाग में घुसा लें और फंसा लें कि कोई सा भी स्टेटर हो, चाहे 12 कॉइल का हो, 14 कॉइल का हो या 16 कॉइल का हो, उसमें टोटल टर्ने जो पड़ेंगी, टोटल टर्ने वो 5000 टर्ने टोटल पड़ेंगी, चाहे कोई सा पंखा हो, लेकिन उसको डिवाइडेड अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको पेपर पे समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी भी पंखे में टोटल टर्ने जो पड़ेंगी वो 5000 टर्ने पड़ेंगी टोटल, ठीक है। ये टोटल टर्ने पड़ेंगी, कोई सा भी पंखा हो, 12 का हो, 14 का हो या 16 का हो, पंखा कोई सा भी हो, टर्ने आपकी 5000 ही पड़नी है। कैसे पड़ेंगी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, 12 वाले का, ठीक है। 12 कॉइल का पंखा है, टर्ने हमारे डालनी है कितनी, 5000, ठीक है। तो ये 5000 टर्ने होंगी। अब इसका क्या करेंगे, 12 कॉइल का स्टेटर है तो इसको हम डिवाइडेड करेंगे 12 से, 5000 बटे 12, 5000 बटे 12 बराबर 416 टर्ने। कितनी टर्ने आ गई एक कॉइल में, 416 टर्ने एक कॉइल में आ गई, जिसको हम राउंड फिगर में बनाएंगे, 420 टर्ने हम डालेंगे रनिंग बाइंडिंग में, ठीक है। ये हम रनिंग की बात कर रहे हैं अभी, स्टार्टिंग के बाद हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो 420 टर्ने हम रनिंग में डालेंगे, राउंड फिगर में हम 420 टर्ने डालेंगे, ठीक है, 12 कॉइल के स्टेटर में। अब बात करते हैं हम 14 कॉइल के स्टेटर में। ये हमारा 14 कॉइल का स्टेटर है, इसमें हमें टर्ने डालनी है कितनी, 5000 बटे, पंखा कितने का है, 14 कॉइल का, ठीक है, बराबर 5000 बटे 14 कॉइल बराबर 357 टर्ने, 357 टर्ने। राउंड फिगर में हम कितनी टर्ने डालेंगे, 360 टर्ने रनिंग वाइंडिंग में, ठीक है। तो ये हमारा रनिंग का हिसाब आ गया, 360 टर्ने 14 कॉइल वाले पंखे में। अब हम बात करते हैं 16 कॉइल वाले पंखे की। 16 कॉइल का पंखा है, टर्ने हमें डालनी है 5000 और कॉइलें कितनी है, 16 बराबर 5000 बटे डिवाइडेड बाई 16 कॉइल का स्टेटर है, बराबर कितनी हो गई, 312 टर्ने, 312 टर्ने, ठीक है। तो हम इसको राउंड फिगर में कितनी टर्ने डालेंगे, 310 टर्ने हम रनिंग बाइंडिंग में डालेंगे 16 कॉइल के स्टेटर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रनिंग का हिसाब, काय का हिसाब हो गया ये, रनिंग का, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्टार्टिंग बाइंडिंग की, कि स्टार्टिंग बाइंडिंग में कितनी टर्ने हमें डालनी है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी में 5% कितना, 5% प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो कैसे इसको करेंगे, हमें टर्ने कितनी डालनी है टोटल, 5000 माइनस
5000 माइनस प्लस वाली टर्न हमने डालनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस, उसके बाद 5% बराबर 5000 माइनस 5% कितनी आ गई, 4750 टर्नें, 4750 टर्नें हमें कहाँ डालनी है, स्टार्टिंग बाइंडिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 12 कॉइल के स्टेटर का हिसाब निकाला था, 12 कॉइल का पंखा है, 4750 टर्न हमें डालनी है, पंखा है 12 कॉइल का, बराबर कितने हो गए 4750 डिवाइडेड बाई 12 कॉइल का पंखा है, 395 टर्नें हमारी यहाँ पर आ रही हैं, 395 टर्नें ये हमारी यहाँ पर हो गई हैं, तो इसको हम राउंड फिगर में जो डालेंगे वो 400 टर्नें डालेंगे स्टार्टिंग बाइंडिंग में। ठीक है, अब हम बात करेंगे 14 कॉइल के पंखे की स्टार्टिंग का हिसाब, 14 कॉइल का पंखा है, टर्नें कितनी है 4750 बटे पंखा कितने का 14 का बराबर 4750 डिवाइडेड बाई 14 कॉइल का पंखा है बराबर हो गया 339 राउंड फिगर में कितनी टर्नें डालेंगे 340 टर्नें हम डालेंगे स्टार्टिंग बाइंडिंग में, कितने की 14 कॉइल वाले पंखे की। ठीक है, अब हम बात करेंगे 16 कॉइल के पंखे की स्टार्टिंग का हिसाब, तो टोटल टर्नें हमारी हैं 4750 पंखा कितनी कॉइल का है 16 कॉइल का बटे 16 बराबर 4750 डिवाइडेड बाय 16 कॉइल का पंखा है बराबर हो गया 296 राउंड फिगर में कितनी टर्नें डालेंगे हम 290। तो ये हमारा 16 कॉइल के पंखे की स्टार्टिंग वाला हिसाब हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे हम पंखे में स्टार्टिंग बाइंडिंग डालते हैं, पहले कौन सी डालते हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग डालते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें टर्नें कितनी डालनी है 4750 टर्नें बटे यहाँ पंखे की संख्या लिख देंगे, जो भी पंखे में जितनी कॉइलें होंगी, तो उसके बाद जब हम रनिंग बाइंडिंग डालेंगे तो हम क्या करेंगे 4750 टर्नें हमारी हैं, और यहाँ पर कर देंगे हम प्लस 5% बराबर 5000। ठीक है, ये हमारी रनिंग की हो गई, ये स्टार्टिंग की हो गई, तो रनिंग में कितनी टर्नें पड़ेंगी 5000 बटे पंखे की कॉइलों की संख्या जो होगी यहाँ पर लिख जाएगी, आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात ये आती है कि इसमें कौन से नंबर का वायर डालें, 35 नंबर का वायर डालें या 36 नंबर का वायर डालें। तो नॉर्मली जो पंखे होते हैं ये वाले, इसकी 3.5 सूत की कोर होती है, इसमें जो मैं हमेशा 35 नंबर नहीं बल्कि 36 नंबर का वायर का यूज़ करता हूँ, बहुत सारे लोग 35 नंबर का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इस बायोडाटा से कोई सा भी पंखा हो 12 का 14 का 16 का, मैं सभी को 36 नंबर से रनिंग बाइंडिंग भी और स्टार्टिंग बाइंडिंग भी दोनों में 36 नंबर का वायर यूज़ करता हूँ, और इसकी स्पीड भी एकदम मस्त आती है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई रिप्लेस नहीं आती, 3.25 का कंडेंसर मैं इसमें लगा के दाएं दाएं चला देता हूँ, चाहे तो आप 2.5 का लगा दें, लेकिन मैं नॉर्मली इसमें 3.25 का कंडेंसर ही लगाता हूँ, बढ़िया तरीके से ये पंखा चलता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे।